हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एली प्रभा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बट मैं अच्छी नहीं थी। आई नो कि मैं काफ़ी टाइम के बाद से यहाँ पे आ रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं काफ़ी दिन तक बेड रेस्ट पे थी। लास्ट जो मेरी यूट्यूब वीडियो थी वो थी यूजिंग फेस रेजर। उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं उस फीडबैक आपके साथ शेयर करूँगी कि उसके रिज़ल्ट कैसे हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली थी, बट बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। तो अभी 1 मंथ से ज़्यादा हो चुके होंगे मेरी उस वीडियो को, बट नाउ आई एम बैक। तो आज हम उन सारे मिथ को दूर करेंगे। दिस वीडियो इज़ अबाउट पोस्ट सेविंग एक्सपीरियंस। उससे पहले बात कर लेते हैं कि उसे यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ आई बटन पे भी लगा दूंगी। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि फेस रेजर कैसे यूज़ करना है, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अभी हम चलते हैं मिथ्स और बेनिफिट्स इन सारी चीज़ों की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला मिथ है वो है कि जो भी हेयर्स जो ग्रो होते हैं वो थिक होते हैं और डार्कर आते हैं। तो द आंसर इज़ नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे जो हेयर्स थे तो वो सेम एज इट इज़ आए हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर आपके हेयर्स पहले से ही थिक हैं तो वो थिक आएंगे, और अगर लाइट हैं, थिन हैं, तो वो थिन ही आएंगे। क्योंकि हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं, एंड जब हम फेस रेजर यूज़ करते हैं तो ये सरफेस होती है, स्किन हमारी सरफेस होती है, तो वहाँ से सिर्फ हम उससे हटाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर से कट होती है, जिसकी वजह से हमारे फॉलिकल्स तक तो जाती नहीं है। तो इस वजह से हमारे जो भी नई ग्रोथ आएगी वो सेम एज इट इज़ वैसी ही आएगी जैसे पहले थी, और डार्कर तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि डार्क हो जाएगा। सेकेंड मिथ जो होता है कि क्या हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत फास्ट आने लगेगी। तो द आंसर इज़ नो, बिकॉज जो हमारी हेयर ग्रोथ पहले होती है वो उसी टाइम पे आती है। सपोज़ कि अगर आप वैक्स कराते हो और 10 to 12 days में अगर आपको दोबारा से हेयर्स आ जाते हैं, तो सेम एज इट इज़ वही फेस रेजर के साथ भी होगा। जो आपकी हेयर ग्रोथ होगी, मतलब जैसे आपको जितने दिन में हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं उतने ही दिन में हेयर स्टार्ट होंगे आना। वैक्स कराओगे आप तो उससे फास्टर आ सकता है फेस रेजर से, क्योंकि वैक्स से हमारी अंदर से बाल निकल जाते हैं पूरे, और ये सिर्फ आप यहाँ जो बैरियर होता है हमारे स्किन में, जो सरफेस है वहाँ से रिमूव होते हैं बाल। तो थोड़ा सा ये कंपैरिजन है बस, वैक्स के मुकाबले में फेस रेजर के हेयर्स जल्दी आएंगे, बट जो आपकी हेयर ग्रोथ है जितने टाइम में आता है सेम एज इट इज़ उतने ही टाइम पर आएगा। थर्ड जो मिथ है वो ये होता है कि क्या हमारी भी बियर्ड आ जाएगी मेन के जैसे। तो मेल में जो भी हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो फीमेल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आपके जैसे हेयर्स पहले थे वैसे ही आएंगे। नेक्स्ट मिथ ये है कि क्या शेविंग आपके स्किन को हार्म कर सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं या फिर कोई नेचुरल चीज़ होती है जिससे एलर्जी हो जाती है आपको, जैसे मुझे लेमन सूट नहीं करता है, तो वैसे ही किसी ऐसी भी चीज़ के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ पहले यूज़ कर रहे हो तो उसका एक पैच टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद से ही उसको अप्लाई करना चाहिए, तो ये चीज़ कर सकते हो। बट अब तक मुझे फेस रेजर से कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, कोई भी इरिटेशन उस टाइम भी नहीं हुई थी, ना बाद में हुई है, ना मुझे कोई उससे पिंपल्स आए,
और किसी भी तरह की इरिटेशन और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जैसा कि आप मेरा फेस देखोगे तो अभी मैंने अपने फेस पे इसीलिए कोई भी मेकअप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है ताकि आप रिज़ल्ट देख सको कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई भी इरिटेशन, कोई भी पिम्पल उस वजह से तो बिल्कुल ही नहीं हुई है। मेरे हिसाब से जो जो इसके बेनिफिट्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। उसके मतलब बीच में तो मैं बीमार थी तो मैंने मेकअप अप्लाई किया नहीं, बट उसके एक दो दिन बाद ही मैंने, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह ये पढ़ा हुआ था कि उससे मेकअप जो होता है वो काफ़ी ग्लोई और अच्छा एप्लीकेशन हो जाता है उससे, तो मैंने अप्लाई किया था बट किसी वजह से मैं वो दिखा नहीं पाई आपको। फेस ट्वीज़र को यूज़ करने के बाद से ये बात सच है कि आपका जो मेकअप एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादा ग्लोई आता है और ज़्यादा स्मूदर आता है, और जो आपका मेकअप होता है वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन पे, और भी मतलब पहले से और ज़्यादा निखर के आता है क्योंकि कोई भी हेयर्स नहीं होते हैं, फाउंडेशन या जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स है वो इधर उधर फंसते नहीं हैं, ईजिली ब्लेंड हो जाता है। अभी मैंने पहले भी बताया कि इसी वजह से मैं ऐसे सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करके बैठी हूँ, तो बेयर स्किन भी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगती है, तो फेस ट्वीज़र का एक ये भी बेनिफिट है। साथ ही साथ इको फ्रेंडली भी है, आपके बजट फ्रेंडली है। जैसे कि आप वैक्स कराते हो फेस का तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाता है, एंड फेस ट्वीज़र से आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पैसे खर्च करने होते हैं, मोस्टली 85 या ऐसे ही कुछ पैसों के आते हैं। मैंने तो परचेज़ नहीं किया था, मैंने ये स्माइटन के ट्रायल पॉइंट से लिया था ट्राई करने के लिए, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, तो ऑब्वियसली जब ये ख़राब हो जाएगा तो मैं एक नया ज़रूर खरीदूँगी। और सबसे बड़ी बात, यू डू नॉट हैव टू बेयर पेन, आपको किसी भी तरीके का पेन झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है अच्छे तरीके से। अब बात कर लेते हैं डूज एंड डोंट्स की, कि इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है। डूज़ के बारे में तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाकी जो अभी मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको अपने स्किन को प्रेप कर लेना है, प्रेप करना है, अच्छे से फेस वॉश करना है, अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना है, एक बैरियर बन जाएगा जिससे, और उसके बाद ही यूज़ करना है उसे। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक पैच टेस्ट ज़रूर करना है। आपको प्रोडक्ट खरीदते टाइम थोड़ा सा जेंटल होना होगा, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद से ही प्रोडक्ट को ख़रीदना है। ऑनलाइन भी आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने अपने हिसाब से आपको बताते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने जो यूज़ किया था वो था द फेस रेजर, ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले लेना है वरना आपके स्किन को वो डैमेज कर सकता है बहुत हद तक। पेशेंस के साथ ही उसको करना है, जब आप थोड़ा सा आपके पास ज़्यादा टाइम हो तभी उस टाइम आपको करना है। सपोज़ आपको कहीं जल्दी जल्दी जाना है और फिर आप उस टाइम वो यूज़ कर रहे हो तो आपको वो कट हो सकता है, या फिर तो आप जब भी आपके पास काफ़ी टाइम हो उसे टाइम पे यूज़ करना चाहिए। तो जब भी आप उसको यूज़ करें तो काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रोक्स में यूज़ करें, काफ़ी ये नहीं कि यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म किया, नहीं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में यूज़ करना है, जैसे थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर ऐसे यूज़ करना है आपको। उसको कभी भी परपेंडिकुलर इस टाइप से नहीं रखना है, उसको हमेशा 45 डिग्री पे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, 45 डिग्री पे ही रेज़र को रख के उसके बाद से यूज़ करना है उसे। जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर की ग्रोथ है, सपोज़ आपकी हेयर की डायरेक्शन इस साइड से है तो आपको उस साइड से स्ट्रोक्स करने होंगे, और सपोज़ डाउनवर्ड में है आपके हेयर्स तो डाउनवर्ड्स में आपको स्ट्रोक करना है, डाउनवर्ड में आपको चलानी है रेज़र। यूज़ करने के बाद से आपको थोड़ा सा कुछ रेडनेस या कुछ ऐसा फील होता है तो आप आइस क्यूब यूज़ कर सकते हो या फिर एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। कुछ मिनट के लिए आप आइस क्यूब अच्छे से यूज़ कर लेना, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपके स्किन को राहत मिल जाएगी। आपने ब्लेड यूज़ किया उसके बाद से उसको डिसइंफेक्ट भी करना होगा,
ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया या ऐसी चीज़ें ना रहे, क्योंकि रखे रखे उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा अगर आपने बिना वॉश किए या फिर अच्छी तरीके से वॉश नहीं किया, उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं जो आप दोबारा यूज़ करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। तो आप डेटॉल, सैवलॉन या फिर आपके पास और भी कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ है तो उससे आप डिसइंफेक्ट ज़रूर करिए। आपको जब भी फेस रेज़र यूज़ करना है वो नया फेस रेज़र यूज़ करना है, ये नहीं कि दीदी, चाची, मम्मी उनके फेस रेज़र लेके यूज़ कर लिए। आपको कभी अपने फेस पे पहला ट्राई मारना है या फिर कभी भी यूज़ करना है तो सिर्फ और अपने फेस के लिए एक नया रेज़र ख़रीदें। तो ये थे हमारे डूज़। अब बारी आती है डोंट्स की, जो चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है और उसे कतई नहीं करना है, कभी नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ है, जिस दिन आपने रेज़र यूज़ किया है उसी दिन आपको एक्सफोलिएशन नहीं करना है, कोई भी स्क्रब वगैरह नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उस दिन हमारे पोर्स बहुत अच्छे से ओपन हुए रहते हैं और अगर आप उसमें एक्सफोलिएशन करोगे तो शायद वो रेडनेस और इचिंग और ऐसी सारी प्रॉब्लम्स दे सकती है। अगर आप फेस रेज़र यूज़ कर रहे हो तो एक जगह पे एक से दो बार ही उसे स्ट्रोक करें, ये नहीं कि तीन चार बार स्ट्रोक कर लिया फिर तो आपकी स्किन ही छिल जाएगी, सीरियसली। तीसरी बात, आपका फेस रेज़र है तो उसे सिर्फ और सिर्फ फेस पे ही यूज़ करना है, ये नहीं कि फेस रेज़र है और उसे थोड़ा सा सोचा कि हाथ पे भी यूज़ कर लेते हैं और पैर पे भी थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, तो यू डू नॉट हैव टू डू दीज थिंग्स। और ये भी ऐसा भी नहीं करना है कि कोई और रेज़र है, सपोज़ आप जो पैरों पे यूज़ करते हो, हाथ पे यूज़ करते हो, वो रेज़र लेके फेस पे स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वो ब्लेड्स अलग होती है और हमारे फेस के ब्लेड्स अलग होते हैं, तो आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंस सकते हो अगर आप ऐसा कुछ करोगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। और एक चीज़ तो मैंने डूज़ में भी बताई थी, दोबारा से बता देती हूँ कि आपको जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में शेव नहीं करना है। लास्ट थिंग जो वो है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, हल्का सा यूं बस पकड़ना है ताकि थोड़ा सा हमें वो सपोर्ट मिल सके स्ट्रोक्स करने के लिए, फेस रेज़र चलाने के लिए। दैट्स इट, ये मेरा फीडबैक था कि उसके क्या डिमेरिट्स हैं और क्या चीज़ें मुझे समझ में आई जो मुझे करना है और नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो, मैं सारे आंसर्स का जवाब देने के लिए रेडी बैठी हूँ। अभी मैं चैनल पे आ चुकी हूँ तो अभी आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू, टाटा, बाय बाय।